गाइस ये कोई ना व्लॉग होने वाला ना फिर कोई लंबी वीडियो होने वाली है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल वीडियो टू गिव यू अ क्विक अपडेट। तो अभी अभी मेरा मेडिकल जो एग्ज़ाम मैंने दिया था वो मतलब अपडेट हो गया मेरे वीज़ा फाइल में। जैसे कि आपको पता है मैं कनाडा जाने वाला हूँ, मैंने वीज़ा फाइल की थी, मेरा बायोमेट्रिक्स भी अपडेट हो चुका था फाइल में और मेडिकल भी अभी अभी अपडेट हो चुका है। तो जो वीज़ा की प्रोसेस होती है वो मेडिकल अपडेट होने के बाद होती है। तो अभी अभी मतलब जब सितंबर इनटेक था तब कैनेडियन इमिग्रेशन ने 2 स्टेज वीज़ा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट स्टेज में जो AIP अप्रोलिंग प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट स्टेज क्लियर किया, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेज क्लियर करने को मिलेगा। क्योंकि तब ऑनलाइन स्टडी चल रही थी तो अगर ऑनलाइन पढ़ना हो तो AIP क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद जैसे जनवरी इनटेक आया मतलब सब चालू हो गया, फ्लाइट्स और वो सब, तो उन्होंने बोला कि जनवरी इनटेक के लिए हम लोग AIP नहीं रखेंगे, डायरेक्ट सीधा वीज़ा देंगे। और बहुत लोग वीज़ा आए बहुत लोग के और बहुत लोग गए भी दिसंबर या जनवरी मंथ में, बट अभी फिर से ये लोग ने जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स को AIP देना चालू कर दिया है। आई डोंट नो वाई। तो अभी मेरे को नहीं पता मेरा क्या आएगा, बट मेडिकल अपडेट हो चुका है तो 1-2 वीक में एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपडेट आना चाहिए। तो AIP आएगा या फिर PPR आएगा क्या पता नहीं, बट मेरे को तो ये है कि वीज़ा है। क्योंकि AIP आएगा तो फिर मेरे को और वेट करना पड़ेगा और वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि अगर सेकेंड स्टेज में रिजेक्शन आया तो फिर मतलब मेरी जो फीस है वो रिफंड नहीं मिलेगी मुझे। एक सेमेस्टर की मिल जाएगी और एक सेमेस्टर की होती है 4-5 लाख। तो फॉर मिडिल क्लास फैमिली इट्स अ बिग अमाउंट। तो आई डोंट वॉन्ट कि मेरा AIP आए, मुझे चाहिए मेरा वीज़ा ही आ जाए डायरेक्ट। तो लेट्स सी अभी क्या होता है।